अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कहते हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं बना रही थी चीज़ ऑमलेट, तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ और थोड़ी सी गपशप लगा लेती हूँ। अच्छा, पहले रेसिपी बता देती हूँ, अगर जो बनाना चाहे तो वो बना सकता है। दो अंडे लिए थे और हाफ़ मैंने ऑनियन को फाइन चॉप किया था, हाफ़ मैंने शिमला मिर्च ली थी, हाफ़ टमाटर लिया था, दो सब्ज़ मिर्चें ली थी और साथ में जनाब मैंने इसमें क्या डाला था, थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाला था। बहुत मज़े का बनता है ये ऑमलेट, आप लाजमी ट्राई करें। अच्छा, इसके बाद जनाब स्पाइसेस में दरदरी लाल मिर्च थी, कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि जो होती है, और इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च थी, नमक था और हल्दी थी, धनिया था हल्का सा हाथ से चॉप किया हुआ और थोड़ा सा ज़ीरा था। ये जो स्पाइसेस है ना, ये आप अपने हिसाब से अरेंज कर लें, तेज़ खाते हैं तो तेज़ कर लें, कम खाते हैं तो कम कर लें। मैंने स्पाइसेस कम रखी थी क्योंकि इलाफ ने भी खाना था और इसके साथ हमने जो पैन है वो मैंने रख दिया था। सॉरी, ये आपको धूप का जो है रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होगा विंडो का इसमें, क्योंकि गैस थी नहीं और आई थिंक 10 बजे का टाइम था, तो फिर मैंने सिलेंडर पे मतलब अपने लिए ऑमलेट बना लिया था। और ये हमने जनाब अपना बेहतरीन सा, देखें कलरफुल और मज़ेदार सा जो ऑमलेट हमने बनाया है वो हमने इसको पैन के ऊपर डाल देना है और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और इसे एक तरफ से थोड़ा सा कुक होने देंगे और हल्की आंच पे बनाना है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि क्या कहते हैं ना, कि मैं इतना टाइम हो गया, मैं इतनी सारी वीडियोस डाल रही हूँ, आप लोग जब मैं वीडियो के उसमें जाके चेक करती हूँ तो आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और नोटिफिकेशन का जो बटन है वो लाजमी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल मेरा अभी नया है और आई होप कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों की मतलब दुआओं से, आप लोगों की मदद करने से मैं इंशाल्लाह एक दिन 1000 सब्सक्राइबर कर ही लूँगी। अच्छा, यहाँ पे बीच में मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं भी डाल रही थी और बहुत, बल्कि एक टाइम तो मैं बिल्कुल ही गायब हो गई थी यूट्यूब से, तो अब मैंने सब कामों से फारिग होकर सोचा है कि नहीं, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, तो मैं इसलिए एक शौक़ है तो वो मैंने कहा चलो मैं अपना पूरा कर लेती हूँ। हालांकि मेरे चैनल में एंटरटेनमेंट या थोड़ा सा कोई यूनिक रेसिपी होती है तो मैं शेयर कर लेती हूँ कि चले आप लोग भी बना लें। जैसे मैंने सिंगापुरियन की रेसिपी डाली थी तो वो आप लोगों को पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, आप लोग एक दफ़ा लाजमी बनाएँ, आप लोग मुझे दुआएँ देंगे। इस तरह से बहुत सारी मैंने पहले भी रेसिपी डाली हुई है, आप लोग जाएं मेरी वीडियोस को देखें। और इसके अलावा फिर एक दफ़ा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अप्रिशिएट करें और कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई मसला मतलब होता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आप लोग मुझे गाइड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं कमेंट में और मैं आप लोगों का कमेंट लाजमी पढ़ूंगी और आप लोगों को पिन भी करूँगी। खैर, सिलेंडर यूज़ कर रही थी, वहाँ पे ऑमलेट बन रहा था तो मैंने कहा चलो अब उस पर क्या मैं टोस्टर करूँगी, मैं टोस्टर ऑन करके उसमें मैंने स्लाइस डाल लिए थे। आप लोग अगर नहीं है टोस्टर तो आराम से वो जो ऑमलेट का बचा हुआ थोड़ा सा घी है ना उसके ऊपर ये डाल के करें, बहुत ज़्यादा यमी और मज़े का बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना ये आप लोगों को दिखा रही हूँ और हाँ, मैंने ना चेडर चीज़ यूज़ की थी, अगर आप लोगों के पास मज़रीला हो तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं या येलो वाली जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास स्लाइस थे तो इसलिए मैंने वो डाल लिए थे। और मेरा चाय पीने का मूड नहीं था तो मैंने हाफ़ कप लिया था, हसन ने खा लिया था, फिर मैंने बाकी ये आप लोगों को खा के दिखा रही हूँ। चलें फिर चलती हूँ, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।